ये लड़का आ गया, इसको मैंने कोनिया मारनी है, मुक्के छुक्के मारूंगा इसको मैं, आने दो इसको। यहाँ पे जो है विंटेज स्पोर्ट्स कार की एग्जीबिशन चल रही है। गंदा मुंह भी इसमें डाल दिया करो। बोलिंग, ये कौन सा बोलिंग है ये? तुम दोनों बकवास अपनी बंद करें प्लीज। 28 प्राइस थी तो 280 की डिडक्शन कैसे? तो चोर बैठे हुए थे, लिए दो मीडियम, उसके लिए दो सैशी दे रहे कैचअप के, इतने स्मॉल। मैं कुछ करने लगा था उसके साथ, मेरा दिमाग एकदम से शॉर्ट हो गया। मैंने बोले ये बंदे को मारेगा उससे मुझे भी मारेगा यार। तुम ये भी रख लेते, मैं घर से कैचअप लाके इनको भी ये रख लेते। आज की अच्छी एडवाइस, अच्छी बात कह लो वो यही है यार की। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। I'll be the last one left when the lights go out. अभी मैं सो के उठा हूँ तो अभी फ्रेंड की इतनी सारी कॉल्स आई हुई थी। फुटबॉल का सीन उनका था आज, तो उस दिन मैं उनके साथ खेलने गया था, आप सबको पता ही है, देखा ही होगा अभी लोग में आपने। तो आज फिर वो खेलने जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे आज फिर बुलाया ज़बरदस्ती। दो दिन गुजर गए, दो दिन तो मैं नहीं गया था, तो मैंने कहा चलो अभी उठा था सो के, तो मैंने कहा चलो इनकी जो कसर है थोड़ी बहुत, जो उस दिन थोड़ी बहुत रह गई थी वो मैं आज पूरी कर रहा हूँ। तो उठाऊँ अभी, बस अभी वो आ जाएगा तो फिर चलते हैं आज दोबारा से इनके साथ। तो आई थिंक वो आ गया है, बाहर खड़ा वेट कर रहा है, तो बस चलते हैं। हाँ अभी नींद में हूँ थोड़ा, अभी दुनिया में आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना मुझे। जाने से पहले ये पकड़ लें, यू नो इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। पकड़ते हैं गाड़ी में से शूज़, डिग्गी गंदी हुई लेकिन कोई बात नहीं, होता कभी कभी। बाय 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 बाय, आतो आतो, ओके आतो ना जाओ, बाय। सलाम वालेकुम, क्या हाल? बेटा आज मैं हूँ फुल, तुम्हें बता रहा हूँ मैं, और वो जो जुहेब है कोई बात नहीं, उस दिन तो गए थे वो तो लाइट ही एक बंद हुई हुई थी, बहुत अच्छा जाके देखते अब क्या सीन होता है। जितने भी लड़के होते है ना उन सबसे अच्छा ये खेलता है। दोबारा नहीं है स्नेकर को दबाना है, तुम स्नेकर को खाना है, मैं दबाना है ताकि उधर मैं लोगों को दबाऊं। पहले तुम दबा लो, ये ऐसे क्यों बंद कर दिया? चेक करें, बस वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके आप लोगों को हम लोग बताते हैं क्या सीन चल रहा है। ठीक है, ये देख इसको, ये देख पावल, इसको इसको फाइन हो गया है, देखे अभी देखा मैंने, बनाते रहते हैं यार, ये कैसे हो गया यार, तारिक के मुँह जैसे हो गया, फट गया। बताइए बड़ी अच्छी टेक्निक, ये मैंने बबल लगा के पीछे इसके साथ शॉपर चिपका दिया। ठीक है, मैंने सोचा जो भी गाड़ी के अंदर गंद होता है ना, जैसे ये फजूल गंद रखा होता है इसने, ये इसमें डाल दिया करो, देखो नई टेक्निक है ये। तो चाहिए पहले अपने ये तुम अपना गंदा मुंह भी इसमें डाल दिया करो। सबसे पहले तुम जाओ इसके अंदर, तो मैं नहीं ना आऊंगा, तुम आ जाओगे इसके अंदर। मोए मोए बस ये ग्राउंड आ गया, यहाँ ले जाना हमने, ये नहीं आगे ये है ना, मतलब ये नजर आ रहा है यहाँ से, ये इसकी उस साइड पे है। बस शूज पहनेगा, ये शूज पहना मुझे, ठीक है मैं तो शॉर्ट भी चेंज कर। पकड़ा गया, पकड़ा गया, दोबारा से पकड़ा गया। वो येलो शर्ट शूज पहन ली मैंने, ये पहनेगा अंदर जाके। ये है ग्राउंड, ये है जी ग्राउंड। मिर्जा का बेटा किधर है, बुला इसको। मैं सलाम करो चाचू से। ये है हमारे एक
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल मैम? ये है जी हमारी ग्राउंड, यहाँ पे हमने खेलना है। लास्ट टाइम दूसरी थी, आज इस बार ये है। तो स्नैप बनाओ तुम। वो लड़का किधर गया? उस लड़के को मैंने कोनी शोनी मारनी है आज। ये लड़का आ गया, इसको मैंने कोनियाँ मारनी है। मुक्के छुक्के मारूंगा इसको मैं, आने दो इसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? चलो भाग के आओ, भाग के आओ। A few moments later. बिल्कुल अभी अभी फ्री हो गए हम लोग खेल के। खोलो इसको। आज तो पागल ही हो गए थे, कुत्ते हो गए थे आज सब। मैं भी कुत्ता बन गया फिर आज। सही बात है। तो बस अब चलते हैं। अभी बिल्कुल हिम्मत जो है जवाब देगी। सुबह मेरी छुट्टी, मैं कोई सुबह नहीं आऊँगा, बहाना लगा दूंगा भाई मैं कोई नहीं आ रहा। दो घंटे कंटिन्यूसली खेलते रहे हैं। पूछा मैंने कुछ? टांग तो जो एक मसल है वो पुल हो गया। आज फिर मेरे सर पे भूख लगने लगी। आज तो है मेरे से दूर दूर था। आते हैं घर वापस, कुछ खाना, भूख लगी है अब तो। ये कोई आ रहा है? किसी वैसे की गाड़ी गई है। तो बस अब भूख लगी हुई है, देखते हैं रास्ते में से कुछ खाते हैं। जितना हम लोग भागे ना तो कुत्तों लिए भूख लग गई है। तुम फोन में लगे, निकलो यार, मैसेज करना है। सुबह जाना भी है, 12 इधर ही बज रहे हैं। सुबह जाना है तो नहीं आने वाले, मुझे पता है। मैं सोच रही हूँ सुबह ना कोई बहाना लगा दूं कि मैं कोई नहीं आ रहा, मेरा मसल मुसल पुल हो गए। एक तो जबरदस्ती मुझे बुलाते हैं, फिर जबरदस्ती बुलाएंगे भी नहीं। छुट्टी मारूंगा ना दो दिन ऐसे ऑफिस से, यार मैं थक गया हूँ। तुम लोगों की गलती, तुम लोगों ने बुलाया मुझे, तो मैं कोई नहीं आ रहा। ठीक है, आओ भी मत, आइंदा आओ ही नहीं। कैसा? खाना तो हमने ले लिया है, अब बाकी ड्रिंक्स रह गई हैं। ड्रिंक्स हम यहाँ से पकड़ेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। इतनी गर्मी लग रही है ना, लाल हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। ड्रिंक्स एक साइड पे हैं कहीं। किधर गए? किधर गए? ये रेडियो है, उसकी सैंडविच है। बस चलो। The next day. Hello again. हम जो है खाना वगैरह खा के घर चले गए थे। उसके बाद ये अगले दिन का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तुम दोनों बकवास अपनी बंद करें प्लीज। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। I know, हम लोग ये तुझे वॉइस नहीं सुनाया हमने, ये जानवर है मेरे साथ। अभी वीकेंड स्टार्ट हो गया, अगले दिन में व्लॉग कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू। तो वीकेंड अभी हमारा सीन हो रहा है बॉलिंग। बॉलिंग के लिए जाना है, कौन सा सीन बनता है वो जाते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये दो पशिंदे मेरे साथ हैं। वहाँ क्या शॉट लिया मैंने। अभी हम डिसाइड कर रहे हैं किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। सब बॉलिंग की आपने कभी? नहीं नहीं, बॉल से तो बॉल से खेला है। हाँ तो बस सही है, फिर प्रैक्टिस होगी आपको। दो तीन बॉल से खेला है, लेकिन कौन सा बताना है। अच्छा, तीन यार देखें। बात को आप लोग समझे, ऐसे छोटे बड़े मजाक जो है चलते रहते हैं और चलते रहने चाहिए भी है लाइफ में। ठीक है, बड़े बड़े मुल्कों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती है। उल्टा बोल दिया सस्ते शाहरुख खान। बॉलिंग, ये कौन सा बॉलिंग है? ये वो है। ये हम लोग आ गए बॉलिंग सेंटर, लेकिन यहाँ पे जो हालात है काफी रश रश पड़ गया। क्या उधर नाम लिखवा दे वेटिंग में, फिर जाके देख ले एक बार। देखते हैं यार, पूरी पूरी पार्किंग पीछे फुल है, पूरी पार्किंग फुल है। हैवी वीकेंड तो यहाँ पे रश रश रश। अंदर जाके देखते हैं, अगर आ गई भाई ठीक है, नहीं तो कहीं और निकल जाएंगे। मैंने
पूछा कितना टाइम लगेगा, उसने बताया 2 घंटे जो है वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऑलरेडी सब स्लॉट फुल है, बुक है, 2 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड है। तो 2 घंटे बाद 11:00 और 12:30 पे बंद हो जाएगी, तो फ़ायदा नहीं है कोई आज। तो प्रोग्राम जो है हमारा उबर गया है, प्रोग्राम इट इज़ उबर गया, मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर के बाद। मैनेज को क्या है, मैं बैठ गया हूँ आके उधर के दरवाजा बंद कर। तो अब चैलेंज ये हुआ कि मैं ऐसी दरवाजा बंद करूँगा, करो ये भी दरवाजा बंद करेगा अपनी स्किल्स के साथ। आगे जाके तुम तो ब्रेक लगा दो, मुझे पता। वाओ वाह वाह हमारा बॉलिंग का सीन तो नहीं हुआ, लेकिन हम लोग यहाँ मॉल आए थे, कुछ चीजें लेनी थी इसने भी और मैंने भी, एक दो चीजें लेनी थी वो ले ली हमने। यहाँ पे कुछ ना विंटेज कार्स का कोई एग्जीबिशन चल रही है, तो ये हमें नजर आई है, तो हमने कहा चलो ये देख लेते हैं, आप लोगों को भी दिखाता हूँ मैं साथ। कासिम अल्तानी की ना अल्तानी के म्यूज़ियम है, ठीक है, उसमें सब ये कार्स कलेक्शन है, तो उसने उसी ने ये अरेंज करवाया ना एग्जीबिशन, ये उसी की एग्जीबिशन है सब, ठीक है, सब ओल्ड कार, विंटेज कार जितनी भी है ना, स्पोर्ट्स कार्स। ये देखिए लिखा हुआ है शेख फैसल बिन कासिम अल्तानी म्यूज़ियम, ये उसकी कलेक्शन है सारी जितनी भी कार्स है ना अभी यहाँ पर, ये सब उसी की कलेक्शन है, उसका म्यूज़ियम भी कहीं पर है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे एग्जीबिशंस जो है ना ये होती रहती हैं इसकी, ये विंटेज कार स्पोर्ट्स कार लिखा हुआ। तो ये एग्जीबिशन अभी प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई है, ये अभी स्टार्टिंग है, उसने कहा आफ्टर 2 डेज। ये भी एक गाड़ी बड़े मज़े की लग रही है, तो ये भी प्रॉपर स्टार्ट होगी आने वाले कुछ डेज में। यार देखिए अंदर से इंटीरियर सब पुराने हैं, बैक से भी नाइस, बहुत मज़े की गाड़ी है यार, सबसे फेवरेट, सबसे मज़े की यही है अभी तक। हाँ आने का एक फ़ायदा ये तो हुआ है कि हमने जो है ये विंटेज स्पोर्ट्स कार्स की एग्जीबिशन थोड़ी बहुत देख ली है। हम लोग खाना छाना खा के आए थे, लेकिन हमें यहाँ पे चलते चलते यार काफ़ी बड़ी जोर, एक बच्चा टेबल से नीचे गिर गया, ड्राइविंग हो रही थी पिज्जे की एकदम से, तो हम खाएँगे पिज्ज़ा, हमने ऑर्डर दे दिया है, रश काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो बस उसने कहा है कि 20-25 मिनट्स लगेंगे। तूने गिनना, अब मैं नहीं उठाऊंगा फिर, ये कड़ाके निकाल रहा, बस पिज्जा खा के हम चलते हैं। ज़्यादा कर लो अपना जेबा, उनको बोल तो चले किताब, उनको बोल हमने को, हमने कुछ इधर तो जाना होता है, तो
अला केफ भी आते हुए मेरे साथ एक सीन हो गया है, प्रैंक टाइप का कुछ हो गया मेरे साथ। मैंने एक चीज लेनी थी, वो उसकी मैंने जल्दी जल्दी में प्राइस, ये वेट कर रहे थे भाई, मैंने कहा जल्दी जल्दी में लेता हूँ, तो मैंने प्राइस सही से देखी नहीं शायद। तो जब मैंने ले लिया तो मुझे डिडक्शन का मैसेज आया, मैंने बोला यार ये क्या है, 28 प्राइस थी तो 280 की डिडक्शन कैसे। वो तो मैंने बाहर आके फिर निकाल के देखा ये 280 का, मैं 280 की चीज ये कैसे हो सकता है भाई। तो चोर बैठे हुए थे, फिर शुक्र है मैं वापस गया हूँ, मैंने टाइम पे देख लिया तो रिटर्न करवा लिया। चोर नहीं बैठे थे, तुम्हारी आंखें बंद हुई थी यार। आंखें नहीं, उन्होंने प्राइस छोटी सी लिखी हुई है, प्राइस बोल डब्बे पे लगा दे तो बोल ले। नहीं एटलीस्ट परमानेंट होनी चाहिए ना प्राइस, ने एक्सपेक्ट भी ना किया था कि इतना ये होता ही नहीं है, तुम्हें भी पता ये चीज ले लेता हूँ, प्राइस नहीं देखता ज्यादा, नोट नहीं लगता। लेकिन आज आज मैंने नोट कर लिया, अब आइंदा मैंने हर चीज नोट करके उठानी है। ये है ही नहीं, तुम्हें पता ही चीज इतनी की है ही नहीं। अभी तुम्हारे लिए सब लेसन है कि ये लेसन था मेरे लिए, आज आइंदा मैंने हर चीज भाई ऐसे ही। ये देखो जब तुम ये जो पेमेंट करते हो ना ये इलेक्ट्रॉनिक एप्पल पे वाली, ये उसने मेरे साथ भी हुआ ये सीन, लेकिन खैर अमाउंट वो थी, अमाउंट थोड़ी थी। मैं गया था अपनी बेगम साहिबा के साथ सहरी करने रमजान के दिनों में, तो रेस्टोरेंट वाले ने मुझे बोला 58 अरबी में उसने मुझे बोला, ठीक है तमानियो खमसी, मेरे पास चल गया 58 है, मैंने पेमेंट कर दी। तो मैंने उसने क्या किया, उसने 85 डाल दिया, मैंने नहीं देखा क्यों, लेकिन उसने मुझे बोल दिया ना वो 85 का तो नहीं है, तो मुझे पता भी है प्राइस उसके डिशेज वगैरह कितनी है, मैं बोला ज्यादा से ज्यादा ये 60-70 तक आएगा, तो वही हुआ 58 तक का। मैं वापस किया, मैंने उसको बोला तमानिया खमसीन अरबी में क्या मतलब 58 है या खमसो समानी 85 है। उसने देखा फिर वेल चेक किया उसने, वाकई 58 है। तो मैंने उसको बोला कि इसने गस्से दिए, मैंने उसको बोला अरबी में वही, फिर उसने मुझे 30 जो थे वापस कर दिए उसने। तो मुझे भी उस दिन के बाद ये सबक था मेरे लिए उस दिन के बाद, कि जो भी मशीन में वो मतलब अगर बोल भी रहा है फिर भी मशीन कंफर्म करो, देखो पहले, फिर मोबाइल अपना आगे करो, पेमेंट हो जाती फिर रोला होता है बाद। मेरा जो है भाई लेसन कुछ ज्यादा ही दिया अल्लाह ने आज ना, कि भाई ऐसे नहीं होता, पहले प्राइस प्रॉपर देखो या ये शुक्र करो मिल गया रिफंड। तो शुक्र है मैं उसी टाइम आ गया, मैं तो आगे गाड़ी में बैठ गया था। औरत होती कोई मसरी कोई होता बंदा कोई जैसे दिमाग सड़ा हुआ था, रात का टाइम है होता, फिर देता ही नहीं फिर कोई। ये तो इन्होंने बोला कि जाओ एक बार ट्राई करके आओ जाके जो है चेक करो, चाहते यार। तो मैं चला गया वापस, मेरा दिमाग खराब हो गया एकदम से यार। और पहले हमने पिज्जे लिए दो मीडियम, उसके बाद दो सैशे दे रहे केचप के इतने स्मॉल। ये सीन भी हुआ, मैंने बोला क्या बकवास, मैं दो मीडियम पिज्जे लिए दो सैशे केचप के छोटे वाले, दो मीडियम के साथ, दो मीडियम के साथ, फिर कितने लिए 8 लिए, वो भी कम पड़ गए थे, कम पड़ गए, पता नहीं चला कब खत्म हुआ। ये तो चला गया ना, होने लगा था कुछ उधर आज मम्मा होने लगा था, मैं कुछ करने लगा था उसके साथ, मेरा दिमाग एकदम से शॉर्ट हो गया ऐसे। ये तो तुम तो दूर भाग गए थे फौरन से। मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला ये बंदे को मारेगा उससे मुझे भी मारेगा यार। भाई तेरा दिमाग काम कर रहा है, दो मीडियम पिज्जे लिए हमने, ठीक है मतलब 69 दिए, दो मीडियम पिज्जे लिए, 7 रियाल के तुम लोग एक पेप्सी दे रहे हो, दो केचप तुम्हें, अभी मैंने 69 रियाल दी उसमें तुम्हें दो केचप दे रहे हो, तुम्हें मौत आ रही, तुम्हें 5-6-7 तुम ये भी रख लेते, मैं घर से केचप लाके इनको ये रख लेते, मैं घर से केचप ले आता वो इनको दे देता, वो तुम लोग दो पिज्जे के साथ बोलना चाहिए था उसको। मैंने कसम से इतना मेरा दिमाग खराब हो एकदम से, लेकिन तू कितनी इतनी दूर भाग गया तो एकदम से। ये बंदा लड़ रहा लड़ने तो मैं नहीं जानता इसको, मैं इसको छोड़ेंगे, इसको 12 बजे से पहले हमने ड्रॉप करना है, इसका टाइम है भाई, कर्फ्यू है इसका, अकोमोडेशन इसकी जो है। चंद्रा मैंने एक जीन लिया, सिर्फ जीन्स, जैकेट जोन्स का लिया जीन्स, सिर्फ 500 रियाल का, सिर्फ एक जीन्स 500 रियाल की, अच्छी खासी शॉपिंग हो जाती है। और मैं जब एक जीन लेके आ गया था अकेला, क्या खुआ सर, मैं होता है कोई होता है नहीं समझाने वाला, नहीं नहीं मेरी बात सुन, शायद नहीं लेता वो, तो मैंने खुद लिए थे, ये तो मुझे पता नहीं ना चला, वो मैंने खुद लिए थी जीन्स, तुम्हारा दिमाग नहीं था उस दिन ना, नहीं मुझे शॉपिंग का वैसे बड़ा शौक होता था ना पहले, मैंने कहा यार चलो लोग कोई बात नहीं, वो पैंट की फिटिंग जब मुझे अच्छी आ जाए ना मैं नहीं देखता फिर,
कि क्या प्राइस है क्या नहीं, अगर फिटिंग आपकी अच्छी आ रही है कोई भी शर्ट हो ना, हजार की कोई भी नहीं, अब तो थोड़ा कम हो गया मैं, पहले तो मैं पावर था चंद्रा 500 के शॉपिंग हो जाती है अच्छी खासी पूरी महीने की, तुम अपने कपड़े अच्छे खासे कपड़े आ जाते हैं 500 के आपके, मतलब साथ तो निकल ही जाएंगे। तो वो एक सीन किया था मैंने, 500 की जीन ले ली थी, और तुम्हें पता है जीन्स जो नॉर्मल जीन्स मैं लेता था ना 100 की 101 की इस तरह की, उससे पहले फटी है वो और वो पैंट उससे पहले फटी है, खराब हुई है, मुझे इतनी गुस्सा था उस पे। मैंने बोला 500 का मैंने किया ये वाला यार, बस टैग लगा हुआ था जैक एंड जोन्स का, तो मैं इसीलिए वो कोई नहीं लेता, जगह खाली पड़ा होता है, खाली होता है वो आगे खाली होता है जो मुझे गुस्सा आया था मारो मुझे, तब मैंने इतना भाई मारो किया था, लेकिन अब थोड़ा फील होता है यार हम क्या कर रहे हैं। तो ये 500 अगर तुम 100 की चीज लेते 400 में तुम क्या क्या करते हो, मैं तुम्हें कह रहा हूँ अच्छी खासी शॉपिंग हो जाती है। बस आज का व्लॉग यहीं पे हम लोग करते हैं, आप लोगों को मिलेंगे चार चार बोल रहे 12-4 नेक्स्ट वीडियो में। आज की अच्छी एडवाइस अच्छी बात कह लो वो यही है यार के फजूल के पैसे जाया मत करो, एडवाइस है और ब्लॉग के कंटेंट से रिलेटेड बन गई है एडवाइस आज की, कि देखो आपको एंजॉय करना चाहिए, अपने ऊपर आप लगाओ, आप अपने अपने ऊपर लगाओ, वो नहीं करना, खर्च करो अपने ऊपर, लेकिन वो नहीं करो कि फजूल खर्ची में वो चीज चली जाए, फजूल खर्ची नहीं करनी आपने, लेकिन अपने पे खर्च किया करो और अपने से जुड़े लोगों को भी दिया करो। तो तरफ इशारा क्यों कर रहे ठीक है, तो बस यही है आज की एडवाइस के यार करते रहो करते रहो ठीक है, गेट नंबर 1 से टॉप जा गेट नंबर 1। तो बस आज की एडवाइस यही है कि फजूल खर्ची नहीं करो, लेकिन अपने में खर्च किया करो, इतना किया करो कि फजूल खर्ची में वो काउंट ना हो। बस आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा ये एक हदीस भी है, तो हदीस की भी रेफरेंस दे दें, हदीस का मफहूम ये है, एक्यूरेट वर्ड तो हम आगे पीछे हो जाएंगे, मफहूम बताते हैं इस हदीस का, ये है कि आप लोग खर्च करो कि अल्लाह आपको, गिन गिन के खर्च ना करो कि अल्लाह भी अपनी नेमतें जो है ना आपको गिन गिन के देने लग जाए, तो दिल खोल के खर्च किया करो अपने अपनों पर अपने घर वालों पर, तो अल्लाह भी आपको उसी उसके अकॉर्डिंग ही देगा ज़्यादा। फरिश्ते सुबह इज्जत देने के लिए बांटने के लिए निकलते हैं ना, तो अल्लाह को हुक्म देता है कि ये उन बंदों को ज़्यादा दो जो ज़्यादा खर्च करते हैं, ठीक है ये हदीस का मफहूम आपको मैंने बता दिया। तो बस इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग एंड, आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।